हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर वन लार्ज नंबर में इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने आपको इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको कंफ्यूजन आई होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस का आज हम एक अलग से वीडियो लेकर आए हैं, जहां पे जो क्वेश्चंस अक्सर कंफ्यूजिंग रहते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट द नंबर नेम्स फॉर दिस न्यूमरल। आपको इस न्यूमरल के लिए नंबर नेम लिखना है। तो जैसा ने बताया था, सबसे पहले हम लोग पीरियड्स ड्रॉ करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, करोड़, टेन करोड़। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया था ये वाली डिजिट वन प्लेस पे, देन ये वाली टेन प्लेस पे, देन सिक्स हंड्रेड प्लेस पे। इस तरीके से हम लोग प्लेस करते थे, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद इसको कैसे रीड एंड राइट करेंगे, दैट्स द बिग क्वेश्चन, किसको कैसे रीड एंड राइट करेंगे। इसमें अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो स्टार्ट करते, देखते कैसे करेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लाख, करोड़। तो ये पोजिशन आपकी हो जाएगी करोड़, हमने यहां पर लिखा टू करोड़। उसके बाद ये पोजीशन आपकी कहलाएगी 10 लाख, लेकिन यहां पर जो 10 लाख की प्लेस पे कोई डिजिट ना देके जीरो दिया है, तो उस कंडीशन में जब किसी प्लेस पे जीरो दिया होता है तो उस जीरो को हम यहां पे नहीं लिखते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी कि सिर्फ सिक्स लिखेंगे और जीरो को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना होगा 6 लाख। उसी तरीके से यहां पर देखिए, 10,000, 1,000 की प्लेस पे जीरो दे रखा है, तो इन दोनों की प्लेस को हम नहीं लिखेंगे और इग्नोर कर देंगे। उसके बाद 612, इस तरीके से हम लोग करते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। नेक्स्ट है येला क्वेश्चन। फिर से हमने क्या किया, हमने पीरियड्स ड्रॉ कर लिए, हमने इनको इन प्लेस वैल्यू चार्ट में रख दिया। 61 प्लेस पे आ गया, ये 10 पे आ जाएगा, ये 100 पे, 1,000 पे, 10,000 पे, लाख पे, 10 लाख पे, और ये करोड़ पे। ओके, स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़। ये प्लेस आपकी हो गई टू करोड़। देन ये आपका क्या हो गया, 10 लाख पोजीशन है, हमने लिखा 74 लाख। देन ये आपकी क्या हो जाएगी, 10,000 प्लेस, 38,000। देन यहां पर देखिए, 100 प्लेस पे जीरो दिया है, हमने बताया था उस कंडीशन में जब किसी प्लेस पे जीरो दिया होता है तो उसको हम नहीं लिखते, इसको इग्नोर कर देते हैं, यानी कि हम जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप 16 क्या हो जाएगा, 16 लिखेंगे। ओके, तो ये तो था इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में जब जीरो आता है उस केस में क्या करना है। ऐसे हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में, उस कंडीशन में जहां पे जीरो आता है तब कैसे हम लोग उसको रीड एंड राइट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट द नंबर नेम्स फॉर दिस न्यूमरल। आपको इसके लिए नंबर नेम लिखना है। फिर से हम क्या करेंगे, इस बार हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग पीरियड्स ड्रॉ करेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, बिलियन, टेन बिलियन, हंड्रेड बिलियन। ओके, स्टार्ट करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन। ये आपका हो गया पोजिशन 100 मिलियन। तो क्या हो जाएगा, 270 मिलियन। ये आपकी 100 मिलियन की पोजीशन हो गई, 270 मिलियन। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 100,000 प्लेस पे जीरो दिया है, और हमने आपको बताया था कि किसी भी प्लेस पे अगर जीरो आता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, इसको नहीं लिखा जाता है, यानी कि 100,000 की जो प्लेस की वैल्यू उसको हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट अब 10,000 प्लेस की वैल्यू लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 56,000। अगेन हमारे पास जीरो प्लेस पे, सॉरी, अगेन हमारे पास 100 प्लेस पे जीरो आ गया है, तो फिर से जीरो को हम इग्नोर करेंगे, नहीं लिखेंगे, और टेंस और वंस की प्लेस की डिजिट्स को लिखेंगे, ये जाएगी 75। तो आई होप स्टूडेंट्स, आपको जो भी कंफ्यूजन आ रही थी जीरो के कॉन्सेप्ट की वजह से, तो वो क्लियर हो गई होगी। अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जो कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा।